अगर आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे आप खुद को एक अजीब सा कह सकें, तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो यार अभी हमने हॉट एंड स्पाइसी पे गर्मा गर्म रोल फोड़ा है, हमें बहुत भूख बहुत लगी थी इसलिए हमने वहाँ पे ब्लॉग नहीं किया। तो अभी हमजा हमें आइसक्रीम बनाने लेके जा रहा है, तो हमने सोचा वहाँ पे ब्लॉग कर लें। मेरे साथ हमजा है और एमन है। जिंदगी में पहली बार हमने आइसक्रीम खाने लाया था और वो दुकान ही बंद। हम आपको बताते चलें कि हम वाउच यूज़र्स हैं और हम वाउचर्स यूज़ करते हैं। तुम घुस जाओ तो हम वाउच यूज़ करते हैं, तो अब हम देखेंगे हमें एक पे एक फ्री कहाँ पर आइसक्रीम मिल सकती है। तुम आ जाओ यार, तुम रूम ले लो। तो अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं ओशन क्योंकि आइसक्रीम खानी। खाना तो हमने खा लिया, आप देखेंगे हम यहाँ पर क्या खा सकते हैं। कुछ क्या खाना है? तो आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये अजीब से तो पांच थे, आज तीन क्यों हैं? बाकी दो जो थे वो बिजी थे। अनीशा घर चली गई, समीर भी घर चली गई। आई वी मिस यू। फिर हमको वॉफल खाना था फैम का और फुल मूड बन गया था उसका, लेकिन अफसोस की बात है कि ओशियन में फैम बंद हुआ हुआ है। जतो भाई दो मिनट रुक जाओ, ब्लॉग कर ले हम। तो अभी हम जा रहे हैं बोर्ड बेसन, आज वॉफल ही खाएंगे। इतना ख़राब दिन है ना आज, कोई इतना ख़राब दिन है कोई। हम वोफेल खाने के लिए गए ओशियन पे बने, उसके बाद आए हम बोर्ड बेसन। हम दोनों ने रिक्शे का किराया दिया है और अब बोर्ड बेसन में भी फैम बंद है। किस्मत ही खराब है, लेकिन अगर जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो ना वो चीज़ बाकी रह करेंगे। वो सब ठीक है, ये हज़ार रुपये चार दिन से लेके घूम रहा है, बोल रहे खुले नहीं मिल रहे, खुले नहीं मिल रहे। हमारी तो किस्मत ही खराब थी, वॉफल तो हमारी किस्मत बाहर दिखाई नहीं। फिर कभी सही। ईस्ट और वेस्ट, दिल बाहर कुल्फी इज बेस्ट। हम खाएंगे बलोच की आइसक्रीम, अगर बलोच का फलूदा पियेंगे। अगर आपको पता नहीं तो बलोच जो है कराची का मशहूर है जमाना आइसक्रीम पार्लर है, बहुत पुराना है। बोला फैम लेके जाएगा, हमको बलोच लेके जा रहा है, बस गूगल खर्चा करवा रहा है इससे जा। और वो खुला नहीं करवा रहा है, 15 दिन हो गए, 15 दिन से 1000 रुपए का नोट लेके घूम रहा है। तो भाई फाइनली हम घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर के आ गए हम बलोच आइसक्रीम पे। तैयार हो जाएं, इट्स रिव्यू टाइम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे व्लॉग में आप जान लेंगे क्या होगा, पूरा व्लॉग होगा, उसके एंड में रिव्यू टाइम होगा। तो ये आज का रिव्यू टाइम है, थोड़ी क्वारी हुई आइसक्रीम के लिए, लेकिन यह है कि हम फाइनली पहुँच गए बलोच आइसक्रीम पे। और मैंने मंगवाई थी कुल्फा, एमन ने मंगवाई थी चॉकलेट चिप और हमजा ने मंगवाया था आइसक्रीम फालूदा। मैंने कुल्फा मंगवाई थी और मतलब सही है, इतनी कोई बॉम्ब नहीं, चॉकलेट चिप भी ऐसी थी कि मैंने फालूदा, लेकिन मैंने फालूदा पर मंगाया था, सिर्फ मैंने मंगाया सही है, लेकिन सारा फालूदा आधा ही खा लिया। झूठ बोल रहा है, मतलब कि तीनों चीज़ों में सबसे अच्छा फालूदा था, मुझे भी पसंद आया। मैं 0/10 ऐसे नहीं कर कहना चाहिए। अगर आइसक्रीम की बात है तो हम देंगे 5/10 और अगर फालूदे की बात आती है तो 8/10 चलो 8.5/10। अब हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। जय हिंद।